अक्सर मंदिर के पुजारी व्यक्ति को जीवन के आसक्ति के प्रति पश्चाताप का भाव रखकर ईश्वर से क्षमा प्रार्थी होने की सलाह देते हैं। इनके अनुसार यदि वासना के प्रति निराशक्त होकर ईश्वर से क्षमा याचना की जाए तो मरणोपरांत ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। व्यक्ति डरकर दबी जुबान से क्षमा मांग तो लेता है, परंतु उसे अपनी अनगिनत वासनाओं के अतृप्त रहने का अफसोस होता है। मन में अनगिनत वासनाओं की लहर उठती रहती है, कभी धन, कभी ताकत, तो कभी किसी वस्तु का लोभ। पश्चाताप का भाव तो होता ही नहीं है। वो पश्चाताप जो केवल जुबा से किया गया हो, क्या एक आत्मा के आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकती है? इसी तथ्य को उद्घाटित करती है ये कविता। पश्चाताप, लेखन और प्रस्तुति अजय अमिताभ सुमन। तुम कहते हो करूं पश्चाताप, कि जीवन के प्रति रहा आकर्षित अनगिनत वासनाओं से आसक्ति की। मन के पीछे भागा तो कभी तन के पीछे भागा, कभी कम की फिक्र तो कभी धन की, भक्ति की। करूं पश्चाताप की शक्ति के पीछे रहा आसक्त, कभी अनिरा से दूरी, कभी मदिरा की मजबूरी, कभी लोभ, कभी भोग तो कभी मोह का वियोग, और योग के प्रति विषय रोध के प्रति रहा निराशक्त। और मैं सोचता हूँ पश्चाताप तो करूँ पर किसका, उन इच्छाओं का जो कभी तृप्त न हो सकें, वो चाहते हैं जो मन में तो थीं पर तन में खिल न सकी। हाँ हाँ, इसका भी अफसोस है मुझे कि मिल न सका मुझे वो अतुलित धन, वो अपार संपदा जिन्हें रचना था मुझे और करना था सृजन, और वो भी बहुत सारी शक्तियाँ, वो असीम ताकत जिन्हें हासिल करनी थी, जिनका करना था मुझे अर्जन। मगर अफसोस ये कहाँ आकर फंस गया कि सुनना था अपने तन की, मोक्ष की बात तो तू अपने पास ही रख, करने दे मुझे मेरे मन की, करने दे मुझे मेरे मन की, हाँ हाँ करने दे मुझे मेरे मन की। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता पश्चाताप, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।